ज्योतिष शास्त्र के अनुसार न्याय के देवता शनिदेव मौजूदा समय में मकर राशि में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। वे 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी हुए थे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पंचांग के मुताबिक शनिदेव 17 जनवरी 2023 को रात्रि 8:02 में मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर से मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। मीन राशि पर साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। हालांकि कुछ राशियों को साढ़े साती और ढैया से मुक्ति भी मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि के साथ साथ किन राशियों पर शनि की साढ़े साती लगने वाली है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि पर साढ़े साती शुरू होगी, जो कि 3 जून 2027 को समाप्त होगी। इसके साथ कुंभ और मकर राशि पर चल रही साढ़े साती बनी रहेगी। कुंभ राशि में 24 जनवरी 2020 को साढ़े साती शुरू हुई थी, जो कि 23 फरवरी 2028 को खत्म होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साती होती क्या है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। शनि की साढ़े साती का प्रभाव जिन राशियों पर पड़ता है उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष में शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। चलिए अब वे उपाय जान लेते हैं। शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन तिल और साबुत दाल का दान करना चाहिए। यह दान किसी गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंद को देना चाहिए। शनि की साढ़े साती के कुप्रभाव से बचने के लिए कम से कम 9 या 11 शनिवार को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से साढ़े साती से कष्ट कम हो जाते हैं। शनिवार के दिन काली गाय और काले कुत्ते को प्रेम पूर्वक भोजन कराने से शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।